गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 7, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स होप यू आर ऑल आर फाइन. वी आर डूइंग चैप्टर 21, एक्सरसाइज 21 ए एंड 21 बी. पूजा मिस हैज एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू. चैप्टर्स नेम इज कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड. द मीन्स टू से दैट पूजा मिस हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन मीन एंड मीडियन. हाउ टू फाइंड आउट mean of a particular data and median of a particular data. Now the third thing which I am going to explain is mode. Mean, median, mode ये तीन सब टॉपिक से कंसिस्ट करते हुए चैप्टर 21 बना हुआ है, जिसमें से दो टॉपिक आप पढ़ चुके हो. द थर्ड वन इज मोड. मोड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं. सबसे पहले तो एक अनग्रुप्ड डाटा का मोड कैलकुलेट करना कि क्या मोड है अनग्रुप्ड डाटा. अनग्रुप्ड डाटा यानी इसको ग्रुप नहीं किया गया, टेबलाइजेशन के फॉर्म में वो नहीं है, ग्रुप अनग्रुप है इस तरह से. और सेकेंड है इम्पेरिकल मेथड कैलकुलेट मोड, इम्पेरिकल फार्मूला. ये इम्पेरिकल फार्मूला एक मैथमेटिशियन ने जा किया है. ये फार्मूला है कि मोड कैलकुलेट किया जा सकता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन. मतलब मोड निकालने के लिए पहले आप मीन और मीडियन कैलकुलेट करो, और मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करके और मीन को 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी द मोड ऑफ अ पर्टिकुलर डाटा. इसकी यूज हम तब करेंगे जब मेरे पास टेबल फॉर्म में डाटा दिया गया. ठीक है, टेबल फॉर्म में डाटा दिया गया और कहा जा रहा है कि इसको इंपेरिकल मेथड से कैलकुलेट करो. जब ये जो अनग्रुप डाटा है, यहाँ हमने एक एग्जाम्पल, सबसे पहले मोड बताते क्या होता है. मोड इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली. मतलब आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन रखी गई हैं, आपके पास 30 स्टूडेंट्स का डाटा है या 25 स्टूडेंट्स का डाटा है या 20 स्टूडेंट्स का डाटा है, उसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं डाटा को, ऑब्जर्वेशन को हम एक्स से इंडिकेट करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम एफ से इंडिकेट करते हैं. फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कौन सा डाटा कितनी बार आ रहा है ना, जिसको आप टेलीमार्क में भी बनाते थे, याद आ रहा है आपको? हमने यहाँ कुछ नंबर लिखे हैं, यानी कुछ एक ऑब्जर्वेशन लिखी है 3, 3, 6, 4, 2, 1, 3, 6, 3, 7, 3, 5, 1, 2, 7. ये एक अनग्रुप डाटा है ना, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में याद रहे ना ही असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया गया है, ये अनग्रुप्ड है. ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें मोड क्या है, तो मोड होता है वो वाला फ्रिक्वेंसी जो मोस्ट बार आया गया है इस डाटा में, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है जो फ्रीक्वेंसी वो कहलाएगी मोड. तो कौन सा नंबर एक बार बार आ रहा है, ये देखिए, एक बार यहाँ 3 आया, सेकेंड टाइम यहाँ आया, थर्ड टाइम यहाँ आया, फोर्थ टाइम यहाँ आया, फिफ्थ टाइम यहाँ आया. 3 एक ऐसी एंट्री है जो 5 बार आई है. इसका मतलब इस डाटा में मोड क्या हो गया, 3. ठीक है, आंसर हो गया 3. और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी टेबल होगा उसमें से फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, और मीन निकालने का जो फॉर्मूला जब इसने बताया है उसको अप्लाई करेंगे, मीडियन निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यानी कि मोड जो है बिना मीन और मीडियन समझे नहीं किया जा सकता. तो मीन अच्छे से आना चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है, और मीडियन भी कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं. ध्यान से देखिए, इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. उससे पहले आपको ये अच्छे से लिख लेना है और एम्पिरिकल फॉर्मूला को बहुत बढ़िया से लर्न कर लेना है. स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली आपने मीन और मीडियन किया है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि आपको दोबारा से मीन और मीडियन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21 सी. द क्वेश्चन नंबर 1 इज कैलकुलेट द मोड ऑफ द गिवन डाटा. क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास कुछ डाटा दिया गया है, यानी कि कुछ एक ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखी गई है, हम यहाँ बैक बुक में लिख रहे हैं. अब ध्यान से देखो कि इस डाटा में मोड क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि मैक्सिमम टाइम आई है. 1, 2, 3, 4 8 इज कमिंग मैक्सिमम टाइम. सो व्हाट इज द मोड, 8 जो है वो 4 बार आया है. 8 के अलावा कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो 2 या 2 से ज़्यादा बार आई है. तो 8 इज कमिंग मैक्सिमम टाइम, देयरफॉर मोड इज क्या हो जाएगा, मोड 8. यानी कि जो एंट्री मैक्सिमम बार आई है वो आपका मोड हो गया. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन
क्रिकेटर्स, 11 क्रिकेटर हैं, उन सबकी एज नीचे ईयर भी लिखी गई है। आपको बताना है कि मोड क्या है, कौन सी एज एज ग्रुप के क्रिकेटर ज्यादा है। ठीक है बेटा, देखिए बताइए बेटा, आपके सामने है किस एज का क्रिकेटर बार बार लिखा जा रहा है। 32 32 32 32 लिखते लिखते ही मुझे समझ आ गया 32 हमने चार बार लिखा है। तो 32 ईयर्स एज इज कमिंग फोर टाइम, इज कमिंग मैक्सिमम टाइम या फोर टाइम, इज कमिंग मैक्सिमम टाइम। सो योर आंसर इज, सो देयरफॉर मोड विल बी 32, मोड इज 32, दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट है कि आपको मोड निकालने के लिए मीन पता होना चाहिए कैसे निकलेगा और मीडियन कैसे निकलेगा। आप क्योंकि ये चैप्टर अभी हमने शुरू नहीं करा था, जब इसने किया था तो हमको भी आपके साथ साथ इसको रिकैप्चुलेट करना होगा। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी आपको दी जा रही है और आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला था मुझे जल्दी से बताइए। सिग्मा एफ एक्स, देखो फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन दो चीज़ें थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई किया गया, सम कर दिया सिग्मा हो गया, फ्रीक्वेंसी का भी सम कर दिया सिग्मा एफ आई हो गया। तो मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इजंट इट, यही था ना। और मीडियन को दो तरीके से निकाला जा रहा था, जब एन इवन है या तब जब एन ऑड है। एन ऑड था तो खूब मजे थे, जब एन ऑड आ रहा है तो कुछ करना ही है, टेंशन ही नहीं है। अगर ऑड आ गया यानी कि अगर 7 आ गया तो n प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 8/2, फोर्थ टर्म आपका मीडियन हो जा रही थी। ठीक बोल रहे हैं ना, n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म जो थी वो आपकी मीडियन हो जा रही थी। बट अगर n इवन था तो n बाय 2 टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1 टर्म करके इन सब का हाफ किया जा रहा था। इन दोनों फॉर्मूला को एक बार फिर से ध्यान से घर पे देखिएगा, आगे के ज़्यादा सम्स नहीं है, तीन सम्स हैं, ये तीनों सम्स कल करेंगे हम। ये तो कहिए तो एक सम आज हम आपको करके कॉपी में भेज देंगे, बाकी के दो सम हम कल सॉल्व कर देंगे और साथ में एक्सप्लेन भी कर देंगे, तो इट विल बी